Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing so well. For those who are new in this channel, don't forget to subscribe my channel. So, जिस product का आज हम review करने वाले हैं वो हमारे life में बहुत ही important role play करता है, which is sunscreen. Yes. So, जिस sunscreen की हम बात करने वाले हैं वो Brinton की sunscreen है, which is UV Tox. तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलेगी. सो जो सनस्क्रीन है इसमें है SPF 50 PA++ बॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB. ये क्लेम करता है ये ऑयल फ्री है, मैट फिनिश आपको देगा. आप इसको पानी में भी लगा के जा सकते हैं एंड नॉन कमेंडोजेनिक है. लाइक इसको लगाने के बाद ये आपके एक्ने को प्रमोट नहीं करेगा. ये सूटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप एंड जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनके लिए भी बेस्ट रहने वाला है. एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मैं भी कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली लगता था, बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगता था, जिससे मुझे इरिटेशन होती थी और मैं अवॉइड कर देती थी सनस्क्रीन को लगाना, जो कि डेफिनेटली बहुत गलत बात है. और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सनस्क्रीन को अप्लाई करते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपको होती है, जिससे आप भी उसको अवॉइड कर देते हैं. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपनी सनस्क्रीन को बाय करें. और इसी वजह से मुझे ये सनस्क्रीन बेस्ट लगी, क्योंकि ये मैट फिनिश है. इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी मुझे स्वेटिंग नहीं होती है. अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी ये वाली सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट रहने वाली है. लाइक मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, मैं कोई भी सनस्क्रीन लगाती हूँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है मुझे और मेरा बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है मुझे, तो मेरा मन नहीं करता कोई भी सनस्क्रीन लगाने का. इसलिए मैं पहले बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी कि नहीं मुझे नहीं लगाना है. इंपॉर्टेंस पता थी उसकी बट सूट ही नहीं होता था और इतना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी तो मैं अवॉइड कर देती थी, मैं अप्लाई नहीं करती थी. तो एक टाइम पर मुझे इतने ज़्यादा एक्ने हुए थे कि मुझे डर्मा के पास जाना पड़ा और फिर उन्होंने मुझे बताया कि सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, और जो कि मैं इतना अवॉइड करती जा रही थी. सो उस दिन से मैं सनस्क्रीन डेली अप्लाई करती हूँ. कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैं सनस्क्रीन ना अप्लाई करूँ, और हमें करनी भी चाहिए बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवॉइड कर देते हैं. तो आपको भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सी सनस्क्रीन हम लें तो ये ब्रिटॉन की वाली सनस्क्रीन बेस्ट रहने वाली है, ऑल स्किन टाइप है. मैंने अपने अभी तक के जीवन में बहुत सारी सनस्क्रीन को ख़रीदा है, उसको अप्लाई किया है, बट ये वाली सनस्क्रीन मुझे बेस्ट लगी है अभी तक, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाती है और अच्छे से मैट फिनिश एकदम देता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है, बिल्कुल भी चिपचिपा या फिर इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, जो मुझे बहुत ही बेस्ट लगती है ये वाली चीज़. एंड इस बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसको अप्लाई करने का, इस तरह से बहुत ही इजी वे में. तो अप्लाई करने का मेथड है बहुत ही इजी है. आपको इसको अपने फिंगर टिप पे रख के डॉट 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 अप्लाई करना है एंड उसके बाद उसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में उसको मर्ज कर देना है और आप रेडी हैं बाहर जाने के लिए. बट यस, आपको मेक श्योर करना है इसको अप्लाई करने के आपको 20-30 मिनट्स बाद ही बाहर निकलना है, तभी ये अच्छे से आपके लिए वर्क करेगा. और जो इसका प्राइस पड़ने वाला है आपको वो है 745. और अगर आप इनको इनकी वेबसाइट से या फिर अदर प्लेटफॉर्म से भी बाय करते हैं तो आपको वहाँ पर भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो आप देख के बाय कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. यस, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.